तो एक तरफ हम लोगों ने सीवर की पाइपलाइन डाल दी, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी अगर यमुना गंदी हो रही है, इलाके गंदे हो रहे हैं, अगर नालियों के अंदर बहा देते हैं सीवेज, तो उस इलाके के अंदर भी मच्छर मक्खी पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती हैं, तो समाज को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, लोग जो सीवेज कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, सीवर कनेक्शन, कि डेवलपमेंट चार्जेस, हालांकि पहले 500 रुपये मीटर के हिसाब से होते थे, हमने उसको 100 रुपये मीटर किया था, लेकिन अभी भी एक आम आदमी को जब वो टोटल करता है तो सीवेज के वो डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा उसके पड़ते हैं इंडिविजुअल को। तो आज कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें ये तय किया गया है कि दिल्ली में जितने इलाके हैं जहां सीवेज लाइन डाल दी गई है और जिन लोगों ने सीवर के कनेक्शन नहीं लिए हैं, उनको सरकार एक मौका दे रही है 31 मार्च तक के लिए। 31 मार्च तक जो जो लोग नए सीवर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे, ना कनेक्शन चार्ज लिए जाएंगे, ना रोड कटिंग चार्जेस लिए जाएंगे, कोई कनेक्शन 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, पूरा का पूरा सीवर कनेक्शन दिल्ली सरकार उनके घर में सीवर कनेक्शन लगा के देगी। ये एक नई योजना आज लागू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, और हमें उम्मीद है, ऐसा एक एस्टिमेट है कि 2,34,000 लोग ऐसे हैं, हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिए। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आके कनेक्शन लेंगे और सीवर की पाइपलाइन का फ़ायदा उठाएंगे।